कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। और आप लोगों की पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, अच्छी पढ़ाई रहनी चाहिए और कंटिन्यूटी रखिएगा आप पढ़ाई में। देखिएगा, देखिए, सफलता तो निश्चित है आदमी की अगर वो मेहनत करता है, लेकिन सफलता जो मांगती है वो चाहे आपका आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का हो, ग्रुप सी का हो, पुलिस हो, एसआईओ, सीटेट, यूटेट, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, जितने भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो आपसे कंटिन्यूटी मांगता है। कंटिन्यूटी आप रखिएगा, ऐसा ना करें आप लोग कि एक दिन पढ़ लिया हमने 20 घंटे और एक दिन ना पढ़ा हमने 2 घंटे भी, तो आप चाहे कंटिन्यू 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, लेकिन आप उसे कंटिन्यूटी के साथ आप उसे अपनी नींड बना लें। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, मॉर्निंग में उठते ही नाश्ता करते हैं, तो इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को एक अपनी बॉडी की नीड बना ले और उसे कंटिन्यू रखे आप पढ़ाई को, ठीक है? तो वही आपकी सफलता निर्धारित करती है, कंटिन्यूटी ही आपको सफलता बनाती है, सफल बनाती है, और वही आपको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाती है। जैसे हम लोग आप लोगों के साथ कंटिन्यूटी के साथ काम कर रहे हैं, पूरी विन आईएएस कैंपस की टीम आपके साथ कंटिन्यूटी के साथ काम में लगी हुई है, तो ऐसे ही आप लोग भी अपना कंटिन्यूटी के साथ काम करें। प्रतिदिन आपको 3 क्लास मिल रही है, आप अगर इतना भी करते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। तो कल आप लोगों को टेस्ट मिला था संडे में, आप लोगों ने कर लिए होंगे उम्मीद है। एक जनरल स्टडी का टेस्ट था और एक उत्तराखंड का, जो बच्चे उत्तराखंड एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप सी, पुलिस, एसआई वगैरह, जितने भी उत्तर लेखपाल पटवारी, और एक था जनरल हिंदी का टेस्ट। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। और एक शनिवार में आपको कंप्यूटर का टेस्ट दिया गया था, तो आप वो भी प्लेलिस्ट से जाकर कर ले। अगर जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किए, सब पूरे टेस्ट ऑल प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके सॉल्व कर ले। चलिए, आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, विषय हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास और टॉपिक है गुप्त काल का शासन प्रशासन, वहां का समाज रीति रिवाज और वहां की धार्मिक व्यवस्था। तो विषय हमारा, आइए, प्राचीन भारतीय इतिहास और पार्ट 3 है, याद रखना, पार्ट 2 आपको गुप्त काल पे मिल चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 3 है आज, ठीक है? ये है आपका गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म और समाज। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म और समाज। देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में अंधविश्वास प्रचलित था। देखिए, यहां भी हमें अंधविश्वास देखने को मिलता है। गुप्त काल में विंध्याचल के जंगलों में शबर जनजाति, एक शबर जनजाति है, वो विंध्याचल के जंगलों में निवास करती थी प्राचीन काल में। और तो जाति के लोग अपने देवताओं को मांस चढ़ाते थे, मांस मतलब बलि देते थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि क्या गुप्त काल में अंधविश्वास प्रचलित था? क्यों प्रचलित था? इसका प्रमाण यह है कि विंध्याचल के जंगलों में जो शबर जनजाति रहती थी, वो अपने देवताओं को मनाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए वो मांस चढ़ाती थी, वो बलि देती थी। क्लियर? नेक्स्ट है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। क्वेश्चन आया था, गणिका क्या थी? गुप्त काल में गणिका क्या था? कोई कर था, कोई टैक्स विभाग था, या फिर कोई वेश्यावृत्ति करने वाली महिला थी, या फिर कोई प्रशासनिक डिपार्टमेंट था, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहते थे, जबकि वृद्ध महिला जो वेश्याओं को कुटनी कहते थे, जो बूढ़ी हो चुकी होती थी महिला, उसे क्या कहते थे? वेश्या को कुटनी कहते थे। तो 2 पॉइंट याद रखना, गणिका क्या थी, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला, और गुप्त काल में जो महिला वेश्यावृत्ति करने के बाद वृद्ध हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, उन्हें कहते थे कुटनी। क्लियर है दोनों पॉइंट? गुप्त शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, याद रखना, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को ही ये मानते थे, इसीलिए गुप्तों ने वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया था।
इन्होंने इसे राजधर्म घोषित कर दिया था, राज्य का धर्म वैष्णव धर्म, ठीक है, और ये वैष्णव धर्म के ही अनुयायी थे। इससे किस चीज से हमें पता चलता है कि गुप्त काल या गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे? ये हमें इससे पता चलता है कि विष्णु का जो वाहन है वो है गरुड़, और गरुड़ जो था, विष्णु का जो वाहन है याद रखना क्या है, गरुड़, ठीक है, और जो गरुड़ था वो गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। तो इससे पता चलता है कि गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया था, वैष्णव धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए राजकीय धर्म घोषित किया था, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित अवशेष, अवशेष मतलब प्रमाण, और भी प्रमाण मिले हैं। देवगढ़ ललितपुर से दशा अवतार मंदिर का मिलना, यह मंदिर बेतवा नदी पर स्थित है। तो याद रखना, देवगढ़ ललितपुर, देवगढ़ जो है वो जो दशा अवतार मंदिर है जो वहां से हमें मिला है वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो आप याद रखना वैष्णव धर्म से संबंधित है और गुप्त काल में उसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था भारत में पहली बार मंदिर बनाने की कला का जन्म या मंदिरों की शुरुआत वो गुप्त काल से ही हुई है या मानी जाती है या पहली बार निर्मित किए गए हैं गुप्त काल में, ठीक है। इसके बाद अजंता, क्वेश्चन अगर आ गया अजंता की गुफाएं कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता महाराष्ट्र में निर्मित 29 गुफाओं में से टोटल अजंता महाराष्ट्र में जो गुफाएं है वो अलग अलग धर्म से संबंधित है, कोई बौद्ध धर्म से है, कोई जैन से है, कोई वैष्णव से है, कोई गुप्त से है, तो अलग अलग है वो। तो वो टोटल 29 में से वर्तमान में केवल 6 गुफाएं शेष बची हुई है। याद रखना अजंता कहां पर है, अजंता की जो गुफाएं है महाराष्ट्र में है। टोटल वहां से कितनी गुफाएं मिली है, 29, वर्तमान में कितनी शेष है, 6, ठीक है। इनमें गुफा संख्या 16 एवं 17, याद रखना गुफा संख्या 16 और 17 का निर्माण गुप्त राजाओं ने करवाया था। तो टोटल 29 जो गुफाएं हैं उनमें गुफा संख्या 16 और 17 का जो निर्माण हुआ था वो गुप्त राजाओं के द्वारा ही कराया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ख्याल रखना गुफा संख्या 16 और 17 का निर्माण किसने कराया था, गुप्त राजाओं ने कराया था। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र बहुत ही सुंदर प्रकार से बना हुआ है, याद रखना किस गुफा में, मरणासन राजकुमारी जो थी उसका चित्र बहुत ही सुंदर अवस्था में बना हुआ है या मिलता है, तो आप याद रखना इसे। नेक्स्ट, गुफा संख्या 17 के चित्रशाला कहा जाता है। इस चित्रशाला में महात्मा बुद्ध के, इसे चित्रशाला इसलिए कहा जाता है कि इसमें महात्मा बुद्ध के एक तो हमें जन्म का उल्लेख मिलता है, उनके जीवन का उल्लेख मिलता है महात्मा बुद्ध के गुफा संख्या 17 में, महाभिनिष्क्रमण का उल्लेख मिलता है, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण का उल्लेख मिलता है। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं जब उन्होंने ग्रह त्याग किया था, और महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते हैं, ठीक है, आदि घटनाओं का चित्र अंकित है। तो इसीलिए से गुफा संख्या जो 17 है गुप्त काल में जिसका निर्माण हुआ था उसे चित्रशाला कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वहां से महात्मा बुद्ध से उसके जीवन, मृत्यु, उनके महाभिनिष्क्रमण, उनके जन्म का प्रमाण मिलता है। क्लियर। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है एग्जाम में कि अजंता में जो गुफा है वो उसका कौन सी गुफा का संबंध, जो गुफा है उनका संबंध किस शाखा से है बौद्ध धर्म की, हीनयान या महायान, तो महायान से संबंधित है। नेक्स्ट, गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाएं बाघ की गुफा है। यह बाघ गुफा मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत को काटकर
बनाई गई थी। तो याद रखना बाघ गुफाओं का निर्माण किस पर्वत को काटकर किया गया था, तो बाघ गुफाओं का निर्माण जो है विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल जो पर्वत है वो मध्य प्रदेश से वो है संबंधित है, और उसे काट के इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। एक बार फिर देख लीजिए, गुप्तकाल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफाएं हैं। यह है बाघ गुफा मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई थी। क्लियर है यहां तक के? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गुप्तकाल में कुछ रचनाएं लिखी गई थी और उनके लेखक पूछता है एग्जाम में बार बार, कुछ जो रचनाएं थी या फिर उनकी किसी रचना की विशेषता क्या रही है, उसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है। तो गुप्तकाल में कुछ रचनाएं इंपोर्टेंट है, जैसे बार बार एग्जाम में आता है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है वो किसकी है? ये जो है आपकी विष्णु शर्मा की है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है पंचतंत्र, ठीक है। व्रत संहिता, व्रत संहिता जो है वाराणसी द्वारा लिखित ग्रंथ है, या वाराणसी द्वारा लिखित रचना है, या वाराणसी द्वारा लिखित कोश है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आर्यभट्टम, आर्यभट्टम की रचना की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टम जो पुस्तक है उसकी रचना की थी आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत की रचना भी आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। हस्तायुर्वेद, हस्तायुर्वेद पलकणों, इसकी रचना की थी गुप्त काल में ही पलकणों ने। हस्तयुर्वेद, हस्त्रायुर्वेद भी कह सकते हैं आप इसे, तो इसकी जो रचना की थी वो की थी पलकणों ने। अभिज्ञान शकुंतलम, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभिज्ञान शकुंतलम की जो रचना की थी वो की थी कालिदास के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो याद रखना अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास ने। नेक्स्ट है नवनीतिकम, ये भी रचना है गुप्त काल में लिखी गई थी। नवनीतिकम की रचना भी गुप्त काल में ही हुई, इससे हमें नुक्से मतलब दवाई के नुक्से, सूत्र और उपचार विधियों की जानकारी मिलती है। मतलब इसकी भी रचना गुप्त काल में ही हुई थी और इससे हमें नुक्सों की जानकारी मिलती है कि इसमें कौन सा नुक्सा काम देता है, सूत्र की जानकारी मिलती है और उपचार की जानकारी मिलती है, कौन कौन से उपचार किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को विश्व का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। ये जो है ना पंचतंत्र जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी, तो क्या है विश्व का सबसे ज्यादा जो प्रचलित ग्रंथ है, सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पे वो है बाइबिल। बाइबिल के बाद दूसरा जो स्थान आता है प्रचलित ग्रंथ में वो आता है पंचतंत्र का। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी। बाइबिल के बाद पंचतंत्र जो संस्कृत, ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। पंचतंत्र जो संस्कृत का है दूसरा सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ है। तो याद रखना विश्व का सबसे ज्यादा जो प्रचलित ग्रंथ है वो कौन सा है? बाइबिल। बाइबिल के बाद दूसरा प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। क्लियर है? और जो पंचतंत्र है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। क्लियर है यहां तक के? पंचतंत्र को पांच भागों में बांटा गया है, या पांच भागों, पांच चीजों का उल्लेख मिलता है। आप इतना भी याद रख सकते हो पंचतंत्र में जो है पांच चीजों का उल्लेख मिलता है या पांच भागों में बांटा गया है। जैसे मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रही, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षा कारित्व, ये पांच चीजों का जो उल्लेख मिलता है वो पंचतंत्र में मिलता है। मतलब मित्र के साथ कभी भेद ना करो, मित्र के साथ कभी दोस्ती जो है लाभ के लिए ना करो, संधि विग्रही संधि करके पीछे ना हटो, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षा कारित्व जो कार्य करते हैं वो अच्छी तरीके से करें, तो इसकी जानकारी जो मिलती है पांच बातों की वो पंचतंत्र में मिलती है। किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? विष्णु शर्मा द्वारा लिखित। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं।
मतलब सूर्य ग्रहण क्यों होता है ये भी इसने कारण बताया है इसमें, और चंद्र ग्रहण क्यों होता है ये भी इसका कारण बताया है किस ग्रंथ में, सूर्य सिद्धांत में। और सूर्य सिद्धांत जो ग्रंथ है वो किसका है, आर्य भट्ट का। क्लियर है यहां तक के कोई दिक्कत? वेरी गुड। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, कि पृथ्वी जो गोल चक्कर लगाती है वो अपनी एक धुरी पर चक्कर लगाती है ऐसे, मतलब ये सेंटर पॉइंट है पृथ्वी का, यहां से ऐसे घूमेगी वो इससे, ठीक है। तो एक धुरी पर चक्कर लगाती है पृथ्वी, किसने कहा था, ये कहा था आर्यभट्ट, ठीक है। क्लियर यहां तक के कोई दिक्कत? वेरी गुड। नेक्स्ट है, ब्रह्मगुप्त इस युग या समय के, मतलब गुप्त काल के या इस समय के, इस शताब्दी के महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त। इन्होंने घोषणा की थी कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। न्यूटन का प्रथम नियम भी यही कहता है। इन्होंने न्यूटन की पूर्व परिकल्पना की थी, न्यूटन की पूर्व परिकल्पना जो है वो ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त ने ही बताया था कि जैसे पेड़ पे फल लटका हुआ है, ठीक है, पेड़ पे जो फल है वो जब तक नहीं गिरने का जब तक पृथ्वी उस पर अपना आकर्षण बल ना लगाए, वो लटका रहेगा। और कोई भी चीज, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसे फिर देख लीजिए, ब्रह्मगुप्त इस युग या समय के महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, याद रखना ब्रह्मगुप्त का जो संबंध है वो गणित से है। इन्होंने घोषणा की थी कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिर जाती है क्योंकि पृथ्वी में अपनी ओर आकर्षित या खींचती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देखो इसके बाद ये है हमारा पॉइंट, पुराणों की, जो पुराण है ना हमारे पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, ये जितने भी पुराण हैं, पुराणों की वर्तमान रूप की रचना प्राचीन काल में हो गई थी वैसे पुराणों की रचना, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वर्तमान जो रूप था पुराणों का उसकी वर्तमान रूप की जो रचना है वो किस काल में हुई थी। तो पुराणों की जो वर्तमान रूप की रचना है, जो आधुनिक काल है पुराणों का, वो गुप्त काल में ही इनकी रचना हुई थी। इनमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है पुराणों से, हमें क्या जानकारी मिलती है, अगर क्वेश्चन आया है ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है पुराणों से हमें, ठीक है। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति, इन सब की रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी, याद रखना। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति, इनकी रचना किस काल में हुई थी, इनकी रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। एक पुस्तक है मरचकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, या मिट्टी की गाड़ी, या मिट्टी की बैलगाड़ी, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, वो कभी कभी मिट्टी का खिलौना दे देता है एग्जाम में, कभी कभी मिट्टी की गाड़ी दे देते हैं, कभी मिट्टी का कोई प्रकार दे देता है, तो इस तरह देता है। तो मरचकटिकम जो पुस्तक है इसकी रचना शूद्रक द्वारा की गई थी, मरचकटिकम के जो लेखक है शूद्रक है, जो एक नाटक है, याद रखना मरचकटिकम क्या है, नाटक। इसकी रचना किस काल में हुई, गुप्त काल में। किसने की मरचकटिकम की रचना, शूद्रक ने की, ठीक है। इसका अर्थ है मिट्टी की खिलौना गाड़ी, मतलब मरचकटिकम जो पुस्तक है जिसकी रचना शूद्रक ने की थी, गुप्त काल में हुई थी, और एक प्रकार का नाटक है, इसका जो अर्थ है या मीनिंग है या इसका सारांश निकलता है वो है मिट्टी का खिलौना गाड़ी। इसमें मतलब इस पुस्तक में गरीब ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था, कोई गरीब था वो बहुत ज्यादा, और एक कोई वेश्या थी, तो उस ब्राह्मण को उस वेश्या से प्यार हो गया था, या वेश्या को ब्राह्मण से प्यार हो गया था, इस चीज का इसमें उल्लेख किया गया है। गरीब ब्राह्मण के साथ एक वेश्या के प्यार का उल्लेख है, यह प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये जो मरचकटिकम है एक बार फिर देख लीजिएगा, इसकी रचना गुप्त काल में हुई, किसने की, शूद्रक ने की, और मरचकटिकम में किस चीज का उल्लेख है, एक वेश्या से ब्राह्मण के प्यार का उल्लेख है, जो ब्राह्मण गरीब था और वेश्या, आपको बताइए रिश्ते क्या होते हैं। और
जो क्या है, मृच्छकटिकम नाटक है और इसका अर्थ होता है मिट्टी की खिलौना गढ़। बस इतना आप याद रख लीजिएगा, पीटी एग्जाम आपका, इससे बाहर कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कालिदास की कीर्ति अभिज्ञान शकुंतलम, याद रखना अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी, कालिदास ने की थी। ये लिखवा रखा मैंने यहां भी पुस्तकों में, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। मैं राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का उल्लेख मिलता है, अभिज्ञान शकुंतलम जिसकी रचना कालिदास ने की थी। तो इसमें क्या है, एक राजा थे दुष्यंत थे और एक रानी थी शकुंतला, तो उनके इसमें प्यार का उल्लेख मिलता है और इसकी रचना गुप्त काल में ही हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट है नगरों का कर्मिक पतन एक के बाद एक गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, मतलब यहां हरासमेंट की ओर जा रहा था, जो नगर थे पतन की ओर बढ़ रहे थे, उनका जो विकास था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, तो गुप्त काल में ये एक अजीब गरीब प्रक्रिया देखने को मिलती है, तो जो एक विशेषता मानी जाती है गुप्त काल की। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो भारत का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है। ऐसा नहीं है, आप याद रखना, ऐसा नहीं है कि वहां पर सोने के सिक्के चलाए गए इसलिए उसे स्वर्ण युग कहा गया, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां बहुत ज्यादा सोना मिला होगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप आज के माइंड में मत रखिएगा ये चीजें। इसका मतलब है गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियों का चरम काल रहा है, बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक उपलब्धि रही है, धार्मिक विकास रहा है, सामाजिक विकास रहा है और पुस्तकीय विकास रहा, बड़े पैमाने पर पुस्तकें लिखी गई, तो इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास में या स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तो इसीलिए से सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, क्यों जाना जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और आपका नाटक ग्रंथ ये सब मंदिर इन सब की कलाओं का जन्म हुआ, इन सब का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उन्हीं डेवलपमेंट अचीवमेंट के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों अगर आपको इतना समझाने के बावजूद भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसका समाधान करेंगे, पूरी विनायस कैंपस टीम मिलकर उसका समाधान करेगी। और आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को प्रतिदिन 3 क्लास और 1 हफ्ते में 3 टेस्ट और एवरी सैटरडे करंट अफेयर की क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, जैसे हम लोग आपके साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। आप लोगों को चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बरसात हो छुट्टी हो कुछ भी हो, हम आपको प्रतिदिन 3 क्लास कंटिन्यूटी के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़िएगा और जुड़ के मिलकर मेहनत करते हैं। देखो भाई, 1 और 1 2 नहीं हो सकता, 1 और 1 2 तभी होगा अगर 2 चीजें मिलकर काम करेगी। तो ये सिंगल है, 2 तो नहीं है और ये डबल हो गया, तो 1 और 1 2 मिलकर, तो 50 आप करिए 50 हम करेंगे, तब आप 100% हम अपना रिजल्ट लेके आएंगे किसी भी एग्जाम में और सफलता हमारे पैर छुएगी। आप देखना बहुत जल्दी हम सक्सेस होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट एनर्जी के साथ, तब तक आप अच्छी तरीके से तैयार करें। मैं आपका अपना टीचर कुछ, थैंक यू।